हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ हेयर कलर। कलर तो पहले से मेरे बालों बट मेरे वाइट हेयर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी मैं जाने वाली हूँ अपनी दीदी के घर, तो वाइट हेयर के साथ तो नहीं जाऊँगी ना, तो मैंने कलर किया है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये कलर है स्ट्रिक्स का आर्गन डेवलपर, ये वाला है, एंड कलर क्रीम ये है, शेड नंबर 9.1 है। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे एंड अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वॉश करूँगी, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हो, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे एक पाउडर, इसमें मैं डालूंगी ये इसका। मैंने ले लिया है मेरे पूरे बालों के हिसाब से, ज्यादा की जरूरत नहीं मुझे, बस अपनी जड़ों में ही अप्लाई करना है, लेंथ में अप्लाई नहीं करना है। थोड़ा सा करते हैं कैमरे को नीचे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। पूरा फैला हुआ है सामान सारा, क्योंकि काम करते करते रात हो जाती है, मैं समेट नहीं पाती हूँ। तो मैंने बाउल ले लिया है, देन सीधे ओपन कर रही हूँ। यहाँ ओके, तो इसमें मैंने कलर डेवलपर डाल दिया था, देन इसको गिरा रही हूँ ऊपर से, बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करते हुए डालना चाहिए ताकि मतलब वेस्ट ना हो हमारा प्रोडक्ट जो है वो। जितना आपकी आपको ज़रूरत है उतने आप ले लीजिएगा। तो मैंने इतना निकाल लिया है, तो इसको ब्रश की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी इस टाइप का ना रहे, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें डेवलपर कम लग रहा है तो थोड़ा और मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से आप देख सकते हो ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो पूरा जड़ों में अप्लाई करना है मुझे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका कलर कैसा आता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होने वाली है। तो सेंटर पार्टीशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आधा पहले इस साइड कर ले फिर आधा इस साइड का। इस तरीके से आपको कस्टमर को भी अप्लाई करना है, जैसे मैं अपने खुद के बालों पर अप्लाई कर रही हूँ।
आप चाहो तो नीचे से गर्दन के पास से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर कस्टमर के ऊपर कर रहे हो तो। यहाँ पे मेरे कुछ ज़्यादा ही वाइट हेयर है। अब मैं इसको वाइट हेयर पे लगा तो रही हूँ, फिर मुझे पता नहीं है कि वाइट हेयर पे असर करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर करूँगी ही मैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा फाइनल रिजल्ट देखने के लिए, क्या स्ट्रिक्स के हेयर कलर से वाइट हेयर कवर होते हैं या नहीं होते हैं। मेरे बैक साइड भी बहुत ज़्यादा वाइट हेयर है, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से आप खुद से अपने बालों पे कलर अप्लाई कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम लोग दूसरी साइड लगाना स्टार्ट करेंगे। इस साइड के हेयर को ऐसे कर देते हैं। मैं भी आदिवासी हेयर ऑयल लगा रही हूँ, देखिए उससे अगर वाइट हेयर कवर होते हैं, वाइट हेयर ब्लैक हो जाते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर जरूर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पूरे बालों पे हेयर कलर तो अप्लाई कर लिया है, बट जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक हेयर दिख रहे हैं बचे हुए हेयर कलर को उसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे।
तो देखिए हेयर ब्लैक होते हैं या फिर ब्राउन होते हैं, आई डोंट नो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है, मैं गुनगुने पानी से ही रहूँगी क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। सारे बालों पर अच्छे से अप्लाई हो चुका है हेयर कलर। अप्लाई कर लिया है, देन इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद चेक करेंगे हेयर कलर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद इसको वॉश करेंगे एंड फाइनल रिजल्ट आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। वाइट हेयर कवर होते हैं नहीं होते हैं सारी चीज़ें। आई थिंक ये हेयर को ब्लैक कर रहा है, ना कि बरगंडी कलर, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक मुझे लग रहा है कि ब्लैक हो रहे हैं हेयर। चलिए जो भी होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ब्लैक होते हैं तो नीचे वाले हेयर पे भी अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे इस तरीके के ब्राउन ब्राउन एंड ऊपर ब्लैक ब्लैक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेयर, यहाँ पे मेरे को 30 मिनट हो गया था और अच्छे से कलर आ गया, बट वाइट हेयर कलर हुए हैं कि नहीं हुए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको वॉश करके फिर देखते हैं कि वाइट हेयर पे इसका कलर चढ़ा है कि नहीं। वैसे कलर तो बहुत प्यारा आया था, तो चलिए हेयर वॉश करते हैं शैम्पू से, उसके बाद से देखते हैं कि कैसा कलर आया है। तो ये मैंने हेयर को वॉश कर दिया है एंड 50 से 60% तक सूख भी चुके हैं बाल, और कलर बहुत प्यारा आया था एंड नेचुरल ब्लॉन्ड कलर है, जैसे बहुत ज़्यादा गोल्डनेस में नहीं है, रेडनेस में है, और बहुत प्यारा लग रहा था। और इसको जैसे जैसे वॉश करोगे कलर और ज़्यादा आता जाएगा, तो धूप में वैसा कलर दिख रहा था। ये घर के अंदर मैं आ गई थी। एंड वाइट हेयर की बात करें तो वाइट हेयर कवर नहीं हुआ है, बट कलर की वजह से वाइट हेयर उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, बट वाइट हेयर पे ये कलर असर नहीं करता है। स्ट्रिक्स का पहले मैंने वो एक बार और इसका रिव्यू किया था, जो कि बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर में था, तो उससे भी नहीं हुआ था, बट इससे कलर बहुत प्यारा आ गया। बस वाइट हेयर की बात करें तो वाइट हेयर नहीं हो पा रहा है कवर। देखते हैं वाइट हेयर के लिए क्या करना है। वैसे आदिवासी हेयर ऑयल लगा रही हूँ, तो उससे अगर वाइट हेयर मेरा ठीक हो जाता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये था फाइनल रिजल्ट हेयर कलर का, स्ट्रिक्स का जो मैंने कलर आपको दिखाया था उसका फाइनल रिजल्ट ये था। गीले बालों में ऐसा दिख रहा था एंड सूखने के बाद भी मैंने छोटा सा वीडियो लिया था, तो वो कैसा आया था वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। कल मैंने अपलोड की थी आईब्रो कैसे बनाते हैं पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो कस्टमर पे, तो जाके देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और आदिवासी हेयर ऑयल का जो जहाँ तक बात करें हेयर बढ़ाता है कि नहीं, तो थोड़ा बहुत तो मुझे फ़र्क लग रहा है कि हाँ बढ़ते हैं बाल उससे। एंड इस तरीके का हेयर मेरा बहुत ज़्यादा टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा फ्रिजी टाइप दिखता है मेरा हेयर हेयर वॉश करने के बाद, बट एक दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो कलर कुछ इस तरीके का आया था, ये मैंने बिल्कुल भी धूप नहीं है यहाँ पे, वो उस टाइम बाल गीले थे, अभी सूख चुके हैं, तो गोल्डन कलर में दिख रहा है एंड बहुत प्यारा कलर आया था। और शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सिल्की लग रहे थे, मतलब हाथ लगाने पे बाल, और कलर बहुत अच्छा है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वाइट हेयर के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड आईब्रो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, ड्राई स्किन पे फेशियल ब्लीच कैसे करते हैं एंड मसाज कैसे करते हैं, सारी वीडियो डिटेल में जा चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।